रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका दिल से स्वागत है। बेसिकली आज मैं 12th क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाला हूं और जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में अभी तक पूछे गए हैं, जो मोस्ट हम कह सकते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन है, उसके बारे में मैं अच्छे तरीके से अभी डिस्कस करूंगा। और वो टॉपिक आज का है आपका टेंस। टेंस बेसिकली लोगों को लगता है कि टेंस टेंशन देता है, नहीं यार, टेंस टेंशन नहीं देता है, लड़कियां टेंशन देती है। खैर ये तो दूर की बात है। अभी बेसिकली हम लोग चर्चा करेंगे टेंस से रिलेटेड, और टेंस में लगभग आज मैं 20 क्वेश्चन लेके आया हूं। और एक बात याद रखना, डेली क्वेश्चन आएगा, डेली वीडियो आपको दिया जाएगा, लेकिन आपको मेहनत करना है। बस मैं इतना जानता हूं कि मुझे अच्छे रैंक चाहिए, हम लोगों को अच्छे रैंक चाहिए। रैंक ही नहीं, मतलब बहुत अच्छा कुछ करना है इंग्लिश को लेकर के आपके इस 12th में। तो अभी से जो 2 महीने या फिर 1 महीने डेली वीडियो जाएंगे, इस वीडियो को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। एक भी कॉन्सेप्ट आपके एग्जामिनेशन से जस्ट बाहर का नहीं रहेगा। जो कॉन्सेप्ट यहां दिया जाएगा, एग्जामिनेशन को भी वही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। इसलिए जितना ज्यादा हो सके मेहनत कर लो। बस मेरा कुछ ख्वाहिश है, कुछ ख्वाहिश नहीं, मेरा फर्स्ट बैच था और मैं सोच रहा हूं कि ये 3-4 महीने पढ़ाया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को मार्क्स काफी अच्छे चाहिए। इतना मार्क्स चाहिए कि लगना चाहिए हाँ, जब मैं 3-4 महीने में इतना अच्छा कर सकता हूं, अगर मैं 1 साल पढ़ा होता तब, समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो बेसिकली आज मैं टेंस से रिलेटेड डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि लोगों को ये पता ही नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं रहता है, रियल बात जो है कि मुझे किस तरीके से तैयार करना है अपने आप को। सबसे पहले आप टॉपिक वाइज अपने आप को तैयार कीजिए, इसके बाद आप लोग मिसलेनियस क्वेश्चन क्यों आइए। लेकिन सबसे पहला फोकस होना चाहिए आपका कि टॉपिक वाइज आप उस चीज को अच्छे तरीके से, मैं कह सकता हूं कि अच्छे तरीके से उसको बनाइए, अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड कीजिए, इसके बाद हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मैं आपको बता दिया हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि डेली जाएगा वीडियो, और इस ये जो वीडियो डेली जाएगा इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है, और इतने अच्छे तरीके से तैयार करना है कि आपका एग्जामिनेशन बस इससे बाहर नहीं आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, इतना गारंटी है। ठीक है, एक बात याद रखना, जब आप अपने आप को उतना ज्यादा, हम कह सकते हैं इतना ज्यादा अपने आप को मेहनत कर दो, इतना ज्यादा कि मंजिल को भी उसकी औकात का पता कर देंगे हम लोग, लेकिन हम लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है कि मेहनत करना पड़ेगा। सबसे पहले जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं, मेरे दिमाग में केवल एक बात आएगा कि मैं पेपर की खोपड़ी में छेद करूंगा। पेपर की खोपड़ी में छेद करने का मतलब कुछ ना समझ बच्चे उसको फाड़ना ना स्टार्ट कर दे। अबे लोल, पेपर की खोपड़ी में छेद करने का मतलब हुआ कि एक भी क्वेश्चन ऐसा ना होगा जो मेरे से ना बनेगा। इस तरीके से हम लोगों को 2 महीना तैयार होना है, और किस तरीके से तैयारी करना है वो मैं बताऊंगा आपको, डेली बताऊंगा। ठीक है, इसलिए आप मेरे साथ जुड़े और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को एक नया मोड़ दे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग आज स्टार्ट करते हैं टेंस का क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, लिखा हुआ आई ब्लैंक हेयर सिंस मॉर्निंग। आपके सामने ऑप्शन है आई एम वेटिंग, हैव बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग, विल बी वेटिंग। एक कॉन्सेप्ट मैं यहां से देना चाह रहा हूं, जब कभी बात आती है सिंस या फिर फॉर का, जब कभी बात आएगी सिंस का या फिर फॉर का, और इसके जस्ट बाद टाइम वर्ड का जिक्र हो सकता है ये टाइम किसी वर्ड के रूप में हो सकता है ये टाइम किसी ना किसी सेंटेंस के रूप में हो। बड़े आराम से देखिएगा, जब कभी भी बात आती है सिंस की या फिर फॉर की और इसके जस्ट बाद टाइम का जिक्र हो, टाइम हो सकता है वर्ड में हो, टाइम हो सकता है फ्रेज में हो, टाइम हो सकता है सेंटेंस में हो, तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं, केवल और केवल एक बात चलना चाहिए कि जो यूज होगा इसके साथ वो बेसिकली परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज होगा। अगर इसके साथ जो यूज होने वाला टेंस है वो अपने आप में परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, अगर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो आपके सामने ऑप्शन लिखा हुआ है आई एम वेटिंग। बड़े ध्यान से देखिए, पहला का ऑप्शन लिखा हुआ है आई एम वेटिंग, दूसरा है हैव बीन वेटिंग, हैव बीन वेटिंग, तीसरा है हैड बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग, और चौथा है विल बी वेटिंग, विल बी वेटिंग। एक बात बताना,
आपके सामने चार ऑप्शन है और मैं अभी बता चुका हूं आपको कि जब कभी भी सिंस की बात हो, फॉर की बात हो, इसके जस्ट बाद टाइम वर्ड का जिक्र हो, टाइम वर्ड में भी हो सकता है, फ्रेज में भी हो सकता है, सेंटेंस में भी हो सकता है, किसी भी चीज में होगी, लेकिन टेंस जो इस्तेमाल होगा वो बेसिकली परफेक्ट या कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल होगा। जरा इसमें आप बड़े आराम से देखोगे तो आपको एक बात पता चलेगा कि सर परफेक्ट का कंटीन्यूअस टेंस तो इतना तो पता चल गया, लेकिन परफेक्ट का 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, परफेक्ट का कंटीन्यूअस टेंस, इसका मतलब ये हुआ कि सर आई एम वेटिंग तो हो नहीं सकता क्योंकि ये प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस है, यानी हैड नहीं हो सकता, विल नहीं हो सकता। आपके सामने एकमात्र ऑप्शन है डेट इज हैव बीन वेटिंग, और सेकेंड ऑप्शन आपके आपका आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी सेकेंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, एक मिनट भी हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है I blank interested in metaphysics। आपके सामने ऑप्शन है एम ऑलवेज, ऑप्शन के साथ आप खेलिए, ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है एम ऑलवेज, दूसरा है have always been, तीसरा ऑप्शन है had always been, चौथा ऑप्शन है will always been। बड़े आराम से देखिएगा, आपके सामने चार ऑप्शन लिखा हुआ है am always been, have always been, had always been और will always been। जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन है आई ब्लैंक इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक बात बताना, अगर इज एम आर लगा रहता तो हम जानते हैं कि सर इज एम आर लगा है इसका मतलब कंटिन्यूअस टेंस होगा, वो भी प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस होगा, लेकिन इंटरेस्टेड है इसका मतलब कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, या हम साफ साफ कह सकते हैं कि एम वाला आपके डिस्कशन से बाहर हुआ। दूसरा है हैव ऑलवेज बीन, एक बात बताना Have always been तो हो सकता है, had always been भी हो सकता है, will always been हो नहीं सकता। एक बात बताना, फ्यूचर में इंटरेस्टेड तो होगा नहीं, इंटरेस्टेड होगा वो तो प्रेजेंट में ही होगा, पास्ट में भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, इसका मतलब आपके सामने एकमात्र ऑप्शन बचा have always been, और दूसरे नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है have always been, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक बार इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए, लेकिन मैं एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। जब कभी भी आपको बात आ रहा है इस एम या फिर आर का, तो एक बात याद रखना, इसके साथ जो इस्तेमाल होगा वो बेसिकली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। हम साफ साफ कह सकते हैं कि इसके साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जब कभी भी आपके सामने पास्ट की बात आती है, वाज या वर की बात आती है, तो इसके साथ भी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग कंटीन्यूअस फॉर्म के नाम से जानते हैं। जब कभी भी आपके सामने हैव की बात हो, हैज की बात हो, तो याद रखना इसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सब की पॉइंट्स जो आपको अच्छे लेवल का प्रैक्टिस करवाएगा, यही चीज आपको रैंकर्स बनाएंगे। तो आपको रैंक निकालना है तो इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से फोकस करना और लिखना, वीडियो को पॉज करके आप लिखना। जब तक लिखोगे नहीं, इस हाथ को जितना ज्यादा खटाओगे ना उतना ज्यादा मजबूत होगा। हमारे एक सर हुआ करते थे, वो कहते हैं कि दिमाग को और शरीर को जितना ज्यादा खटाओगे उतना ज्यादा मजबूत होगा। तो बुराई ही क्या है, जब हम लोग पैदे हुए हैं इसी के लिए, तो फिर दिक्कत क्या है, अच्छे तरीके से मेहनत करो, ठीक है। इसको नोट कीजिएगा, इसके बाद हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, उस क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है माई ब्रदर डिड नॉट ब्लैंक हर। आपके सामने ऑप्शन लिखा हुआ है CHOSE, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने CHOSING, तीसरा ऑप्शन है CHOOSE, और choosing यानी आपका चार ऑप्शन लिखा हुआ है आपके सामने। जरा ध्यान से देखिएगा, माई ब्रदर डिड नॉट ब्लैंक हर। यहां से एक कॉन्सेप्ट में दे रहा हूं, इस पर फोकस करना। जब बात आती है पास्ट की, तो इतना हम जानते हैं कि पास्ट की बात आएगी, इसका मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा। अगर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा तो बड़े आराम से देखिएगा, डू, मैं जब पास्ट का इंडेफिनिट आपको पढ़ा रहा था, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं जब इंडेफिनिट के बारे में जिक्र कर रहा था आपके सामने, तो आपको मैं बता चुका हूं इंडेफिनिट के बारे में कि सर इंडेफिनिट जो होता है इसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब का जो इस्तेमाल करते हैं निगेटिव बनाने के लिए, तो इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब हम डू चुराते हैं, और इसका पहला फॉर्म होता है डू या फिर डज, दूसरा फॉर्म होता है डिड, और तीसरा फॉर्म होता है डन।
इसके बारे में मैं जिक्र कर चुका हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। डू डज डिड और डन। डू का इस्तेमाल होता है प्लुरल के लिए, डज का इस्तेमाल होता है सिंगुलर के लिए, डिड का सेकेंड फॉर्म है और डन अपने आप में थर्ड फॉर्म है। इनडेफिनेट के लिए मैं बात कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। लेकिन एक बात बताना, आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है माई ब्रदर, आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को समझना। माई ब्रदर डिड नॉट ब्लैंक हर, 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। एक बात बताना, माय ब्रदर अपने आप में सब्जेक्ट हो गया, डिड अपने आप में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो ही गया, तो हम जानते हैं कि पास्ट को बताने के लिए सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब डिड अपने आप में सेकेंड फॉर्म है, तो दोबारा से पास्ट बनाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आने वाला जो वर्ब देंगे वो बेसिकली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देंगे, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर देंगे तो यहाँ पे चूज इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ना ये होगा, क्योंकि यहाँ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल आप पहले कर चुके हो, तो फिर से आप सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल क्यों करोगे? अरे यार, जो इंसान मर गया है उसको जबरदस्ती मारोगे तो तुम पागले ना कहलाओगे? यानी मेरे कहने का मतलब ये हो रहा है कि पहले से आप इसको सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में बदल चुके हो, तो दोबारा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में नहीं बदलना है, आराम से चूज लगा दीजिए, यानी फर्स्ट फॉर्म लगाइए, और तब जाकर के आपका सेंटेंस सही होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि बार बार उसी चीज को लिखने की क्या जरूरत है। जैसे एक बात बताना, लोग अक्सर बोल देते हैं पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री, अबे हिस्ट्री होता ही पास्ट है, तो फिर पास्ट हिस्ट्री कहने की क्या जरूरत है? पास्ट हिस्ट्री तो नहीं कहेंगे क्योंकि होता ही पास्ट है। लोग फिर से बोल देते हैं रिपीट अगेन। अरे भैया, रिपीट का मतलब ही होता है फिर से, तो अगेन लगाने की जरूरत क्या है? लोग बातचीत में बोल देते हैं रिटर्न बैक। एक बात बताना, बैक का मतलब ही होता है रिटर्न, तो फिर उसके साथ रिटर्न या फिर बैक घुसाने की क्या जरूरत है? वो चीजें आपकी सुपरफ्लोस कहलाती है। एग्जैक्ट यहां उसी तरीके से मैं बात कर रहा हूं, पहले से इसको सेकंड फॉर्म वर्ब में बदल दिए हैं, तो फिर दोबारा से बदलने की क्या जरूरत है? समझ पा रहे हो? यानी मेरे कहने का मतलब यही था, इसको आप इस कॉन्सेप्ट को लिखिएगा। जैसे हम लोग एक एग्जांपल के थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, बड़े आराम से देखिएगा। मैं सुशांत सिंह राजपूत का एग्जांपल लेता हूं, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़े स्टार रहे हैं, और बिहार का ही लाल, जो कि पिछले साल हम लोग को छोड़ करके इस दुनिया को अलविदा कह गए थे और हम सबको अलविदा कहे थे, उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, सुशांत लव्ड अंकिता लोखंडे। मैं रिया चक्रवर्ती का नाम नहीं लूंगा, उस फर्जी लड़की से अच्छा है कि कोई ना रहे, ठीक है? सुशांत लव अंकिता, जरा इसको हम लोग फोकस करते हैं। ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है जिसको हम लोग एफर्मेटिव के नाम से भी जान सकते हैं। इसको अगर आप निगेटिव बनाओगे तो इतना हम जानते हैं कि सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए मुझे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, लेकिन इनडेफिनिट है, इसका मतलब मुझे जो हेल्पिंग वर्ब चाहिए वो कहां से चाहिए मेरे भाई? तो मुझे जो हेल्पिंग वर्ब चाहिए वो बेसिकली डू का चाहिए, तो डू का पास्ट होने की वजह से मुझे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। आराम से इसको निगेटिव बनाने के लिए आप लिख लोगे सुशांत डिड, निगेटिव बनाना है, नॉट लव या फिर लव्ड अंकिता। आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर निगेटिव जब हम बना ही दिए हैं, अरे यार रुको, जब इसको निगेटिव बनाने के लिए मैं हेल्पिंग वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ले ही लिया हूं, इसका मतलब पहले से इसको जब मैं पास्ट बना दिया हूं, तो यहां पे जबरदस्ती पास्ट बनाने की जरूरत क्या है? लव्ड नहीं, आराम से लव होगा। यहां से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जब कभी भी पास्ट की बात हो और पास्ट की बात हो और निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव बनाने के लिए मुझे डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ना कि डिड के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करोगे तो मामला बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? इसको आराम से नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। एक चीज का मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, पता है, एक चीज का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। YouTube पे आपको इस लेवल का एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा चैलेंज है। एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मेरे भाई, ठीक है? हम लोग बढ़ते हैं आगे, जरा ध्यान से देखिएगा। आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है उस पर फोकस करना प्लीज। चौथा नंबर क्वेश्चन है, सी ब्लैंक सिक्स बुक्स ऑन इंडियन मिथोलॉजी, 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सी ब्लैंक सिक्स बुक्स ऑन इंडियन मिथोलॉजी। एक बात बताना, बड़े आराम से देखिएगा। सी ब्लैंक सिक्स बुक्स ऑन इंडियन मिथोलॉजी। ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है, Have written, दूसरा ऑप्शन है has written, तीसरा ऑप्शन है will written,
और चौथा ऑप्शन है बी रिटेन। ये कौन सा खोज कर दिया रे? एक बात बताना और अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना, 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं ऐसा क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी तक जितने भी एग्जाम हो रहे हैं या फिर जितने भी एग्जाम हुए हैं ट्वेल्थ का, उस सारे में जो कॉन्सेप्ट रिपीट किया गया है उसी कॉन्सेप्ट को मैं उठा करके आपके सामने पेश कर रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में इतना तो कंफर्म हो जाए कि हाँ रियल में मुझे आती कितना है या फिर जो बोर्ड में पूछे जाएंगे वो किस तरह का कॉन्सेप्ट रहेंगे। इससे बाहर कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा मेरे भाई, जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना मेरे पे विश्वास करके पढ़िए। और दो महीना आपके साथ में इसी यूट्यूब पे, इसी रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़ा रहूंगा और आपका एक एक डाउट को मैं लूंगा, ठीक है? इसलिए प्लीज मेरे साथ जुड़े रहिए और अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। आगे लिखा हुआ है सिक्स सी ब्लैंक्स सिक्स बुक्स ऑन इंडियन मिथोलॉजी। एक बात तो यहां से कंफर्म है कि सी अपने आप में सिंगुलर है या प्लूरल? आपका जवाब होगा कि सर सी जो है वो बेसिकली सिंगुलर है। अगर मेरे भाई ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसा लेगा? आपका जवाब होगा वर्ब भी सिंगुलर लेगा। तो वर्ब जब सिंगुलर लेगा तो एक बात बताना, ये तो डिस्कशन से बाहर हुआ। विल रिटेन, अरे विल बी रिटेन होना चाहिए, ये भी डिस्कशन से बाहर हुआ। हैव रिटेन तो होगा नहीं क्योंकि हैव प्लूरल है, लेकिन मुझे सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, यानी हैव रिटेन तो होगा नहीं। एक मात्र ऑप्शन है has written, और हम लोग जानते हैं has अपने आप में सिंगुलर है, सिंगुलर होने की वजह से वो भी सिंगुलर लेगा, इसलिए she has written six books on Indian mythology, ये होना चाहिए। समझ में आया? इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर पांचवा जो कि आपके सामने ये रहा। लेकिन इससे पहले एक बात मैं समझाना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखो। जब कभी भी बात आती है has की या फिर have की, तो याद रखना ये बेसिकली प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस बताएगा और इसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब बात आती है कि प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होता क्या है, तो हम बता चुके हैं आपको कि जब परफेक्ट की बात आती है तो परफेक्ट बेसिकली कंप्लीटेड एक्शन को डिनोट करता है। जैसे कोई लड़की किसी आईना के सामने सज रही है तो वो तब तक सजेगी जब वो अपने आप में कंप्लीट नहीं हो जाएगी। बोलो, जब वो कंप्लीट हो जाएगी इसका मतलब बोल देगी कि अब मैं परफेक्ट हो चुका हूँ। इसी परफेक्टनेस को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं और प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस के इस्तेमाल के लिए हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहां से कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, बड़े आराम से समझिएगा जो आपके लिए की पॉइंट्स है। जब कभी बात आती है इनडेफिनिट टेंस की, इनडेफिनिट की, तो इनडेफिनिट में या तो आप पहले फॉर्म का या फिर पहले के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल करोगे या फिर सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करोगे। जब बात आती है कंटिन्यूअस टेंस की तो आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करोगे। जब बात आती है परफेक्ट की तो हम लोग जानते हैं परफेक्ट के लिए हैव को चुराए थे या फिर हम कह सकते हैंज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करोगे। और परफेक्ट मतलब हम कह सकते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हम लोग तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं बीन, हैज, हैव बीन प्लस थर्ड मतलब आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। वो तो अलग सी बात है, मैं हर चीज बताऊंगा, पहले इसको फोकस कर लीजिए। इंडेफिनिट के लिए या तो पहला के साथ एस आई एस या तो दूसरा, कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, परफेक्ट के लिए हैज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली ये प्रेजेंट परफेक्ट के लिए बात आ रही है। बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को नोट कीजिएगा क्योंकि मैं बार बार बता चुका हूं कि आपको मैं उस लेवल तक लेके जाऊंगा जहां एक टॉपर्स जाते हैं, जहां एक रैंकर्स जाते हैं, और मैं आपको रैंकर्स बना करके छोड़ूंगा, ठीक है? मेरे साथ आप बने रहिए और सिर्फ मेहनत करते रहिए। ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसको नोट कीजिएगा। और हम लोग बढ़ते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर, और पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा लेकिन मैं पढ़ता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ही हैज बीन अब्सेंट ब्लैंक मंडे सिंस फॉर फ्रॉम बाय। एक बात बताना मेरे भाई, मैं आपको बता चुका हूं सिंस का कॉन्सेप्ट, सिंस के बारे में हम बता चुके हैं और फॉर के बारे में बता चुके हैं। जब बात आती है सिंस का तो सिंस बेसिकली एक पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। नहीं समझ में आएगा कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, सिंस जो है वो बेसिकली पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा। पॉइंट ऑफ टाइम अगर नहीं समझ में आता है मेरे भाई तो याद रखिएगा ये बेसिकली स्पेसिफिक टाइम भी नहीं समझ में आया, अरे यार ये फिक्स टाइम बताएगा, ये भी नहीं समझ में आया ना, अब नहीं समझ में आएगा ना तो जाके डूब मरो। अबे फिक्स टाइम इसका मतलब हाँ 4 बजे 5 बजे 6 बजे मंडे ट्यूजडे वेंसडे, समझ रहे हो? ये फिक्स टाइम है। नहीं समझ में आया तो एक और लिख लेना पर्टिकुलर टाइम, ये बेसिकली एक पर्टिकुलर टाइम को बताने का काम करेगा। लेकिन ये जो फॉर है वो बेसिकली फॉर जो है वो बताने का काम करेगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम,
ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जरा ध्यान से देखिएगा कि कहना क्या जा रहा है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताने का काम फॉर करेगा, सिंस एक पीरियड ऑफ टाइम मतलब फिक्स टाइम बताएगा, या फिर हम कह सकते हैं पर्टिकुलर टाइम बताएगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि इन्हें कोई स्पेसिफिक टाइम बताएगा। स्पेसिफिक टाइम कहने का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि वह मंडे से दौड़ रहा है, मंडे अपने आप में स्पेसिफिक टाइम है, वह 4 बजे से पढ़ रहा है, 4 बजे से पढ़ रहा है, इसका मतलब वो स्पेसिफिक टाइम है। मैं बोल रहा हूँ कि वो 2009 से अभी तक गाना गा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिक टाइम है 2009। लेकिन अगर मैं बोल दिया कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, इतने बहुत अच्छे से समझना, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, ये स्पेसिफिक टाइम नहीं है, 2 घंटा स्पेसिफिक टाइम नहीं है मेरे भाई, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, ये बेसिकली स्पेसिफिक टाइम नहीं है, पर्टिकुलर टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो आपके सामने जो सेंटेंस है, ही हैज बीन एब्सेंट ब्लैंक मंडे, अभी मैं चर्चा किया हूं, मंडे अपने आप में स्पेसिफिक टाइम है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम है? आपका जवाब होगा, सर ये तो अपने आप में स्पेसिफिक टाइम है। अगर ये स्पेसिफिक टाइम है तो स्पेसिफिक टाइम से जस्ट पहले फॉर या सिंस, बिल्कुल सही जवाब सिंस का इस्तेमाल होगा, यानी ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन है, मतलब बिल्कुल सही आंसर है, होना चाहिए। सी हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे, सिंस मंडे, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, सिंस जो है वो फिक्स टाइम को बताएगा, स्पेसिफिक टाइम को बताएगा, या फिर पर्टिकुलर टाइम को बताएगा, लेकिन फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम बोल सकते हैं, या फिर पीरियड ऑफ टाइम को बताने का काम करेगा। सिंस मंडे, सिंस ट्यूजडे, सिंस यस्टरडे, समझ रहे हो? तो ये सारी इन सारी चीज़ पे आप फोकस करने की कोशिश कीजिए, हर चीज़ क्लास में करवाया गया है, बेसिकली अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये जो डिस्कशन है वो बेसिकली ऐसा डिस्कशन है जो कभी भी नहीं पढ़ा है उसके दिमाग में भी आराम से फिट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको आराम से आप नोट कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इसको आप बड़े आराम से देखिए, ऐसा नहीं कि जब मैं मिटा रहा हूँ और क्वेश्चन आपके सामने जाके हुलबुला रहा है कि मैं मुझे कोई देख रहा है या नहीं। अरे तुम देखो अच्छे से, ठीक है। हर चीज़ आपको समझ में आएगी मेरे भाई, हर चीज़ समझ में आएगी, और रट्टाफिकेशन मैं छुड़ा दूंगा। मैं आपके सामने 2 महीना जुड़ा हूँ ना, तुम देख लेना, तहलका आ जाएगा, तहलका। तुम सिर्फ आप मेरे साथ जुड़े रहो ना, हर चीज़ क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है, वेन राधा ब्लैंक बैक सिविल स्लिप। ओके, बहुत मस्त क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं टाइम लूंगा थोड़ा सा, और बड़े आराम से इस क्वेश्चन को समझिएगा आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ। एक बात बताना, क्या कंडीशन कभी भी फ्यूचर में बताई जा सकती है? कंडीशन कभी भी फ्यूचर में बताई जाएगी सर, तो फिर रिजल्ट कहाँ दिया जाएगा? फिर रिजल्ट तो दूसरा फ्यूचर में दिया जाएगा, बहुत दूर वाला फ्यूचर में। ये तो नॉनसेंस हो जाएगा ना, बदतमीजी हो जाएगी ना, बेवकूफ़ी हो जाएगी ना, लोलपंती हो जाएगी ना, समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मतलब कंडीशन कभी भी फ्यूचर में नहीं बताया जाएगा। आप बोलोगे सर कंडीशन कैसे फ्यूचर में नहीं बताएंगे, कंडीशन तो फ्यूचर में बताया जाता है। एक बात बता, अगर मैं आपको बोल दूं, रे तुम्ही को अगर बोल दूं मैं कि अगर तेरी शादी 2025 में होगी, तुम अपने बेटे का क्या नाम रखोगे, हैं? आप सचिव से नहीं आ जाओगे कि सर ऐसा थोड़ी ना है कि मेरी शादी 2025 में हो जाएगी, मैं अगर निकम्मा रहूंगा, मैं अगर 12th में फेल कर जाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो शादी होगी भी नहीं, लड़कियां आएगी भी नहीं, अगुआ आएंगे नहीं, तो शादी कैसे होगी? यानी हो सकता है कि सर मेरी शादी ना हो, ऐसा भी हो सकता है अगर शादी हो भी गई तो कोई ज़रूरी है कि बेटा ही होगा, बेटी भी तो हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है मेरे भाई कि दोनों में से कोई नहीं हो फिलहाल के लिए। मतलब एक बात तो क्लियर है कि आपकी शादी 2025 में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बेटा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, यानी सिचुएशन ये है कि आप कंडीशन को कभी भी फ्यूचर में नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपके आपके सामने बोल दूं कि अगर तुम मेरी बात सुनोगे, अगर तुम मेरी बात अच्छे से सुनोगे, तुझे हर बात समझ आएगी, अगर तुम मेरी बात अच्छे से सुनोगे, तुझे हर बात समझ आएगी, हाँ? आप जो बोल रहे हो सर वो मेरे को पल्ले नहीं पड़ रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हो। एक बार फिर से समझना, अगर मैं बोल दूं कि अगर राम पढ़ता है, अगर राम कड़ी मेहनत से पढ़ता है तो एग्जाम क्वालिफाई करेगा, अगर रोहन आएगा तो मैं जाऊंगा, इस सिचुएशन को समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहां से एक बात आपको समझ में आएगी कि सर कंडीशन के बारे में चर्चा हो रही है, कंडीशन, मैं एक बात का चर्चा करता हूं सर, कंडीशन यानी मैं कह सकता हूं कंडीशनल सेंटेंस के बारे में चर्चा हो रही है कि सर कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। आप अगर, मैं जो सेंटेंस बोला हूं, अगर
तुम मेरी बात अच्छे से सुनोगे तो तुझे हर बात समझ में आएगी। यहाँ पर अगर आप समझने की कोशिश करोगे, आप बोलोगे सर इसमें एक नहीं इनफैक्ट दो सेंटेंस है, इसमें एक नहीं इनफैक्ट दो सेंटेंस जुड़ा हुआ है। पहले सेंटेंस में कंडीशन को बताया जा रहा है और दूसरा सेंटेंस इसी का रिजल्ट बता रहा है। पहला सेंटेंस कंडीशन बता रहा है और दूसरा सेंटेंस इसी का रिजल्ट बता रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर अगर राम अच्छे से पढ़ेगा तो उसे हर बात समझ में आएगी। यहाँ एक नहीं इनफैक्ट दो सेंटेंस हैं, और याद रखिएगा अगर दो सेंटेंस है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखना है इस पर मैं फोकस करता हूँ कि यहाँ पे इस कॉमा के लिए अगर वह आएगा तो मैं जाऊँगा, देन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस दोनों सेंटेंस को स्प्लिट करने के लिए मेरे भाई, इस दोनों सेंटेंस को अलग करने के लिए हम लोग कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट केवल और केवल कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कंडीशन प्रेजेंट में बताई जाए, अगर कंडीशन प्रेजेंट में बताई जाए तो फुलफिल फ्यूचर में होगा, अगर कंडीशन प्रेजेंट में बताया जाए तो फुलफिल फ्यूचर में होगा, अगर कंडीशन पास्ट में बताया जाए तो फुलफिल पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम पे होगा या फिर प्रेजेंट में होगा। मेरे ध्यान बात को आराम से समझना कि अगर कंडीशन को प्रेजेंट में बताई जाए तो फुलफिल फ्यूचर में होगा, अगर कंडीशन को पास्ट में बताया जाए तो फुलफिल पास्ट के स्पेसिफिक टाइम पे होगा या फिर प्रेजेंट में होगा। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। अगर कंडीशन प्रेजेंट के इनडेफिनिट में होगा, अगर कंडीशन प्रेजेंट के इनडेफिनिट में होगा तो फुलफिल फ्यूचर के इनडेफिनिट में होगा, तो फुलफिल फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। मेरे बात को आराम से समझिएगा, अगर कंडीशन इंडेफिनिट में होगा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में तो फुलफिल फ्यूचर के इंडेफिनिट में होगा। जैसे अगर मैं बोल दूं इफ ही कम्स, बड़े आराम से देखिएगा, इफ ही कम्स अगर वह आएगा या फिर आता है तो मैं जाऊंगा, इफ ही कम्स आई विल गो, ये आपका कंडीशन हुआ कि अगर वह आएगा तो मैं जाऊंगा। लेकिन बोलने के लिए अगर मैं हिंदी मीनिंग पे जाऊंगा तब तो हिंदी मीनिंग बोल देगा अगर वह आएगा गागेगी लगा रहेगा तो फ्यूचर होगा, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल अपने आप में नॉनसेंस है। मेरे को बिल्कुल क्लियर होना है और आपका अपना फोकस बिल्कुल क्लियर रखना है, अपने एटीट्यूड को बिल्कुल अच्छे तरीके से डेवलप करना है, अच्छे तरीके से हम लोग माइंड को कंसंट्रेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बड़े आराम से देखो, इफ ही कम्स आई विल गो, अगर वह आएगा तो मैं जाऊंगा। मेरे कहने का मतलब हो रहा है मेरे भाई, एक बात फिर से मैं लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन फिर से, इफ इट विल रेन आई विल नॉट गो आउट, अगर बारिश होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, अगर बारिश होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। बारिश कब होगी? फ्यूचर में। अरे यार, फ्यूचर में होगी या प्रेजेंट में होगी फर्क नहीं पड़ता, फर्क तो सिर्फ इस बात से पड़ता है, हम लोगों को बिल्कुल मीनिंग के हिसाब से काम करना है, बिल्कुल ऑथेंटिक अप्रोच के हिसाब से काम करना है, बहकावे में नहीं आना है, बिल्कुल नॉनसेंस तरीका को नहीं अपनाना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कंडीशन की बात करें तो हम जानते हैं कि इफ के साथ जो जुड़ेगा वो बेसिकली कंडीशन होगा, कंडीशन को कभी भी फ्यूचर में नहीं बताएंगे, कंडीशन को कभी भी फ्यूचर में नहीं बताएंगे। अगर कंडीशन फ्यूचर में नहीं होगा तो यहाँ पे जबरदस्ती आप फ्यूचर क्यों घुसा रहे हो? याद रखो, आई विल नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। कब नहीं जाऊंगा? आप बोलोगे सर फ्यूचर में नहीं जाऊंगा, ये कौन सा टेंस है? विल अपने आप में हम कह सकते हैं फ्यूचर का इंडेफिनिट है, तो इतना तो कंफर्म है, इतना तो कंफर्म है मेरे भाई कि जो कंडीशन होगा वो बेसिकली प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा, होना चाहिए। इफ इट रेंस आई विल नो गो आउट, समझ में आया? इस सारी चीजों को आप समझिएगा तो आपके सामने जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पर मैं जिक्र करता हूँ। क्वेश्चन है, हो सकता है यार कंडीशन इफ के साथ ही बताया जा सकता है, कंडीशन वेन के साथ ही बताया जा सकता है, अलग अलग तरीके से कंडीशन बताया जाता है, उस पर आपको फोकस अभी नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखना, क्वेश्चन है वेन राधा ब्लैंक बैक सी विल स्टॉप स्लीप सी विल स्लीप वेन राधा ब्लैंक बैक। ऑप्शन है विल कम, विल होगा नहीं, केम अरे पास्ट होगा नहीं क्योंकि इंडेफिनिट में बताया जा रहा है, फ्यूचर के इंडेफिनिट में जब आप कंडीशन नहीं रिजल्ट बता ही रहे हो इसका मतलब मुझे जो बताना होगा, कंडीशन को जो बताना होगा वो बेसिकली प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बताना होगा, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन आई मीन बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर होना चाहिए। इफ वेन राधा कम्स
When Radha comes back, she will sleep. आपका छठा नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे सातवां नंबर क्वेश्चन की ओर। इसको जब तक आप लोग अच्छे तरीके से छाप लीजिए, क्योंकि आप लोग छापने में तो महारत हासिल किए हुए हैं, लेकिन दिमाग में भी छापना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। सबसे पहले आप इसको कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से सुंदर से छापिए, इसके बाद फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सातवां। बड़े आराम से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सातवां आपके स्क्रीन पे आ रहा है। माय सिस्टर ब्लैंक अड्रेस ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। एक बात बताना, यहाँ से मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ, इस ट्रिक को आपको फोकस करना है। जब कभी भी बात आती है, एक ट्रिक दे रहा हूँ, इस ट्रिक पे फोकस करना। और ये बेसिकली हर एक जगह के लिए एप्लीकेबल है। जहाँ कहीं भी अगर सेंटेंस में लास्ट वीक का जिक्र हो, सेंटेंस में यस्टरडे का जिक्र हो, सेंटेंस में लास्ट डे का जिक्र हो, सेंटेंस में प्रीवियस डे का जिक्र हो, जहाँ कहीं भी अगर इन सारी चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया हो, इसका मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली पास्ट का कोई स्पेसिफिक टाइम बता रहा है। अगर पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बता रहा है मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अरे यार, पास्ट के स्पेसिफिक टाइम के लिए यानी पास्ट टेंस हुआ, पास्ट टेंस का इंडेफिनिट हुआ, इंडेफिनिट को बताने के लिए हम लोग सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, डायरेक्टली हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पे फोकस करेंगे। आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, माय सिस्टर ब्लैंक अड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक। लास्ट वीक देखते ही आपके दिमाग में बात आएगा, अरे ये तो पास्ट के बारे में चर्चा है। और पास्ट टेंस, पास्ट के बारे में चर्चा जब भी होगी, इसका मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करोगे। वी टू आपको जहां कहीं भी मिलेगा उस पर आप टिक कर देना। बाय नहीं होगा, बाइड होगा ही नहीं, बाय होगा ही नहीं, बाउट इज द राइट आंसर। और ऑप्शन नंबर 4 यानी D4 दरभंगा आपके सामने बिल्कुल सही आंसर है, और आंसर होना चाहिए बाउट, आंसर होना चाहिए बाउट। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है, कमलेश हैज बीन ब्लैंक हिज हाउस फॉर अ फ्यू डेज। आपके सामने अभी मैं बताया हूं कि जब कभी भी बात आती है फॉर की, या बात आएगी सिंस की, जब फॉर या सिंस की बात आएगी, और इसके बाद जब भी अगर टाइम का जिक्र होगा, टाइम वर्ड में भी हो सकता है, टाइम फ्रेज में भी हो सकता है, टाइम बेसिकली किसी ना किसी सेंटेंस में भी हो सकता है, जिसको हम लोग क्लॉज के नाम से जानते हैं। अगर सिंस या फॉर के जस्ट बाद अगर टाइम का जिक्र होगा, तो इतना तो हम जानते हैं कि बेसिकली परफेक्ट का कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होगा। और परफेक्ट का कंटीन्यूअस टेंस यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होगा। और परफेक्ट के कंटीन्यूअस टेंस के लिए हम यहाँ पे रिपेयर्ड होगा ही नहीं, रिपेयरिंग ये तो कंटीन्यूअस है, हैड रिपेयर्ड होगा ही नहीं, यानी विल रिपेयर। ये भी देखो, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सिचुएशन गड़बड़ हो गया। फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन कहता है क्या है। मुझे लगता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ही गलत है, लेकिन फिलहाल के लिए समझो, क्वेश्चन का ऑप्शन मेरे हिसाब से गलत दे दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में कर लेंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को लास्ट में कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को लास्ट में कर लेंगे, प्लीज ज्यादा इस पर दिमाग मत लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग नौवां की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इफ ब्लैंक, अरे रुको, क्वेश्चन नंबर अगला है, ही ब्लैंक इफ वी हैड टेकन आवर फूड। इस क्वेश्चन को मैं लिखूंगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, अभी कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ही, अरे यार आज मार्कर को क्या हो गया यार, वेट करो, बड़ा दिक्कत है। मार्कर भी हमसे नाराज है आज, पता नहीं क्या हुआ है। ही ब्लैंक इफ वी हैड टेकन आवर फूड, इफ वी हैड टेकन आवर फूड। इसका ऑप्शन दिया हुआ है आस्क्ड, पहला ऑप्शन है आस्क्ड, दूसरा ऑप्शन आपके सामने लिखा हुआ है आस्क्स, तीसरा ऑप्शन है विल आस्क और चौथा ऑप्शन आपके सामने दिया गया है हैड आस्क। एक बात बताना, बड़े आराम से आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। इतना तो कन्फर्म है कि जो कंडीशन बताया गया है वो बेसिकली पास्ट का परफेक्ट टेंस है, पास्ट का परफेक्ट टेंस है। हैड के साथ थर्ड फॉर्म जुड़ा हुआ है, इसका मतलब पास्ट का परफेक्ट टेंस है। अगर पास्ट का परफेक्ट टेंस है तो हम क्या बोले हैं कि अगर कंडीशन को पास्ट में बताया जाए तो वो फुलफिल या तो पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम पे होगा या फिर प्रेजेंट में होगा। तो एक बात बताना, पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम पे होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर हो ये जाएगा तो यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म आना चाहिए, नहीं है, विल होगा ही नहीं, फ्यूचर की बात है या तो प्रेजेंट की बात हो गई है। आपके सामने पास्ट का स्पेसिफिक टेंस या फिर हम कह सकते हैं वी टू अपने आप में बिल्कुल सही होना चाहिए। ही आस्क्ड इफ वी हैड टेकन आवर फूड, ये इस सेंटेंस का बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हम लोग आधा सफर तय कर लिया हम लोगों ने, ठीक है।
दसवां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसे फोकस करना। कह सकते हैं कि दसवां नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड के एग्जामिनेशन का फेवरेट क्वेश्चन है। इजी भी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन इजी है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। इजी है तो क्या हुआ, अरे अभी तो फोकस मेरा बोर्ड पे है ना, क्वेश्चन इजी है तो इजी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप बेसिकली मेरी सेंटेंस पे फोकस करने की कोशिश करना, और जो भी ट्रिक दिया दे रहा हूँ ना, इस ट्रिक पे फोकस कीजिएगा, हर चीज़ समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन है, आई ब्लैंक स्पीक स्पेनिश। आई अपने आप में सिंगुलर है या प्लुरल? आप बोलोगे कि सर आई सिंगुलर है या प्लुरल, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है। अरे लोल, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या तेरे को क्लास में आई के बारे में नहीं बताया हूँ? अगर नहीं बताया हूँ, ये तो यूट्यूब का है, यूट्यूब है तो ज़रा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हो सकता है कोई अगर दूसरा देखेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, ज़रा ध्यान से देखो। आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट याद करो मेरे भाई, आयुर्वेद का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आई आ से बनेगा आई, यू से बनेगा यू, और वी से बनेगा वी, और द से बनेगा दे। अगर इसको आप देखने की कोशिश करोगे तो आयुर्वेद में आ जाएगा आई यू वी और दे। आई अपने आप में प्लुरल होता है। देखो मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, और हम सब के पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि आपको बताता रहूँ कि आई प्लुरल कैसे है, आई के साथ हम हैव का यूज़ क्यों करते हैं, आई के साथ हम लोग बोल सकते हैं कि वर का यूज़ क्यों करते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब जो है, आई के साथ हम डू का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। अरे उस पर मैं फोकस नहीं करूँगा, और बिल्कुल नहीं करूँगा, किसी को दिक्कत होगी, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, अगर ये आई के बारे में चर्चा करता हूँ तो आयुर्वेद में आई यू वी और दे चार जो वर्ड लिखे हुए हैं, ये चारों का चारों अपने आप में प्लुरल होता है। अगर ये प्लुरल होगा मेरे भाई, तो वर्ब कैसा लेगा? आप बोलोगे कि सर प्लुरल होगा तो प्लुरल है, वर्ब न लेगा। अरे यार प्लुरल है इसका मतलब प्लुरल वर्ब लेगा। तो आपके सामने क्वेश्चन है, आई ब्लैंक स्पीक स्पेनिश। ऑप्शन है डज नॉट, दूसरा है हैव नॉट, तीसरा है डू नॉट, और चौथा है हैड नॉट। बड़े आराम से देखो, एक बात तो कन्फर्म है कि डज होगा नहीं, क्योंकि ये प्लुरल है तो प्लुरल वर्ब आना चाहिए, इसका मतलब डज आपके डिस्कशन से बाहर हुआ। हैव नहीं होगा, क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आना चाहिए, लेकिन स्पीक है, स्पोकन है नहीं, इसका मतलब ये भी डिस्कशन से बाहर हुआ, पास्ट का बात ही नहीं है। अगर पास्ट का बात होता तो हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म आना चाहिए, स्पीक की जगह पे स्पोकन होना चाहिए, जो कि है ही नहीं। आपके सामने एकमात्र ऑप्शन है, और सी फॉर चाइना धोखेबाज है, उसका नाम मत लो, सी फॉर कुछ भी ले लो, ठीक है, वही आपका राइट आंसर होगा, वही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आई प्लुरल है, प्लुरल के साथ प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, सेंटेंस को नेगेटिव बनाया गया, इसके बाद कुछ भी नहीं किया गया है, इजी सेंटेंस था। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 11, दे ब्लैंक नेक्स्ट वीक। जब बात आती हो, यहां से एक ट्रिक के बारे में और मैं चर्चा करूंगा, सेंटेंस अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि आपके सामने आ रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो आपके सामने आती है लेकिन आपको दिखाई नहीं देती है, बहुत सारी चीजें आपके सामने आएगी आपको दिखाई नहीं देगी, उसको देखने के लिए आपको दिल की आँख की जरूरत पड़ती है, जो आप लोगों के पास अभी नहीं है। बहुत सारे के पास होगा, बहुत सारे तो हम कह सकते हैं इस सब से गुजर चुके होंगे कि सर आप जो बोल रहे हो ना, वो सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ, आप ज़्यादा होशियार मत बनो, लेकिन वो तो दूर की बात है। यहाँ देखो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, जहाँ कहीं भी आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक, या फिर देखने को मिलेगा नेक्स्ट डे, या फिर देखने को मिलेगा टुमारो। अरे भैया, ये सब आने वाला टाइम है, और आने वाला टाइम है इसका मतलब ये चीज़ें पास्ट है या फ्यूचर या प्रेजेंट है। आपका जवाब होगा सर आने वाला है, इसका मतलब फ्यूचर है। अरे यार आने वाला है तभी तो तुम्हारी शादी 25 में होगी, नहीं होगी लोल, नहीं होगी। अगर 12th में फेल कर जाओगे ना, जब आएगा देखने वाला ना, तो बोलेगा कि मेरे को सर्टिफिकेट दिखाओ, मार्कशीट दिखाओ। आप बोलोगे नहीं, वो मैं वहाँ छोड़ चुका हूँ सर। अबे छोड़ चुका हूँ तो मैं भी तुम्हें यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, अपनी बेटी किसी और को दे दूंगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पे फोकस करो, नेक्स्ट वीक की बात हो, नेक्स्ट डे की बात हो, टुमारो की बात हो, इसका मतलब ये फ्यूचर के बारे में बताएगा, और फ्यूचर को बताने के लिए एक मॉडल का यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग विल के नाम से या फिर सेल के नाम से जानते हैं, और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने जो एग्जाम्पल है वो है हैड कम होगा नहीं, कमिंग होगा नहीं, केम होगा नहीं, लास्ट ऑप्शन है विल कम, और विल कम आपके सेंटेंस का, आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है, व्हेन सीता ब्लैंक बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। अगर सीता, यार 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, अगर सीता आती है, वापस आती है, तो हम लोग इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। एक बात बताना, आएगी इसका मतलब कंडीशन कभी भी फ्यूचर में नहीं बताएंगे। अगर कंडीशन कभी भी फ्यूचर में नहीं बताएंगे, उससे पहले आप देखो, वी विल आपके सामने दिख रहा है, वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम, इसका मतलब ये हुआ, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो बेसिकली
फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है, और फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है इसका मतलब परिणाम यानी रिजल्ट अगर फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस में बताया गया है इसका मतलब जो कंडीशन होगा वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा। प्रेजेंट के इंडेफिनिट के लिए विल कम का यूज होगा नहीं, केम का यूज होगा नहीं, हैज कम होगा नहीं। आपके सामने ऑप्शन बचा डी फॉर डेली, दैट इज कम, COME, कम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ रहा है, बड़े ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है ही ब्लैंक वीडियो गेम्स, ही ब्लैंक वीडियो गेम्स। एक बात बताना और इसको समझना, मैं अभी ऑप्शन के साथ खेल रहा हूं। देखो लिखा हुआ है ही ब्लैंक, ऊपर दिख रहा है क्वेश्चन, वीडियो गेम्स ऑप्शन है हेड प्लेइंग, पहला ऑप्शन है हेड प्लेइंग, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है एम प्लेइंग, अरे यार ये तो बदतमीजी हो गई, एम प्लेइंग, तीसरा ऑप्शन है आर प्ले, ये क्या हुआ यार आर प्ले, चौथा ऑप्शन है इज प्लेइंग। एक बात बताना, ही अपने आप में सिंगुलर है या प्लुरल? सबसे पहले ही सिंगुलर है या प्लुरल? आप बोलोगे सर ये तो सिंगुलर है, अगर ही सिंगुलर है तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, वीडियो गेम्स, ओके, अगर हेड है इसका मतलब ये होगा कि हेड के साथ थर्ड फॉर्म आना चाहिए, हेड प्लेड होना चाहिए, जो कि नहीं है, समझ में आया? अरे यार हेड है इसका मतलब थर्ड फॉर्म आना चाहिए ना इसके साथ, क्योंकि हम जानते हैं पास्ट का परफेक्ट है, और पास्ट के परफेक्ट को बनाने के लिए हम लोग थर्ड फॉर्म फर्स्ट का इस्तेमाल करता है हेड के साथ, यानी ये डिस्कशन से बाहर। अरे यार ही है तो एम लगेगा ही के साथ, ये तो आई के साथ लगता है, यानी ये भी डिस्कशन से बाहर। आर प्ले, ये कौन सा बदतमीजी हुई है, आर के साथ प्ले, यानी ये भी बाहर होना चाहिए। ही इज प्लेइंग, यानी ही सिंगुलर है इसी वजह से इसका इस्तेमाल होगा, समझ रहे हो? कोई सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेना, गड़बड़ मत कर देना, समझ रहे हो ना, पुराना जमाना वाला बात मत कर दे। अगर भैया सिंगल है तो एक के को रखना, दो को कर लोगे तो हर एक जगह से ठोकाई खाओगे। जैसे हमारे राजा दशरथ साहब को देखिए, महाराजा दशरथ साहब के पास 3-3 पत्नियां थी, लेकिन उस समय की बात है, देखिए वो तो एक अलग सी चीज़ें थी जो कि बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, लेकिन अभी जो अगर एक से ज़्यादा रख लोगे ना तो हर एक जगह थोड़ाइए खाओगे, कुछ नहीं बचेगा, समझ में आना, बुट्टी काट लेगी, ये जो ब्लड का कतरा जो बह रहा है ना ये अंदर में जाम पड़ जाएगी। ठीक है, इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की ओर। आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट मेरे भाई याद रखेगा, ठीक है, और हर चीज आपको नोट करना है, अगर आपने अपने माँ बाप के लिए कुछ भी अगर करना है ना तो प्लीज नोट करना सीख लो, बस कुछ दिन की बात है मेरे भाई, अगर मैं मेहनत कर सकता हूँ तेरे लिए तो तुम नहीं कर सकते हो खुद के लिए, चोर उचक्का हर चीज करना सीख लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14। लिशेन राधा ब्लैंक द सितार, जरा ध्यान से देखो, जब कभी, यहां फिर से मैं एक ट्रिक दे रहा हूं, जब कभी बात आती है लिशन की, सुनो, कीप क्वाइट, पिन ड्रॉप साइलेंस, कीप साइलेंट, जब कभी भी इस तरह की बात आती है खामोश रहो, सुनो, देखो, जब कभी भी इस तरह की बात आती है मेरे भाई इसका मतलब ये सारी चीज अभी की है, इसका मतलब इतना तो कंफर्म हुआ कि अभी की है, इसका मतलब ये चीजें प्रेजेंट है या पास्ट है। आप बोलोगे सर अभी की है तो प्रेजेंट ही हुआ, लेकिन अभी अगर तुम उधर देख रहे हो और मैं बोला हे रुक जाओ उधर मत देखो, अरे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप कंटिन्यूअस टेंस को रोक रहे हो, अरे यार कंटिन्यू कर रहे हो ना, बिल्कुल सही, वहां देख रहे हो, मतलब सुनो, कीप क्वाइट, खामोश रहो, यानी तुम ज्यादा बोल रहे हो तो आप खामोश में कंटिन्यूअस सेंस आ गया। लिशन की बात हो, कीप क्वाइट की बात हो, कीप साइलेंट की बात हो, कुक की बात, लुक की बात हो, इस स्थिति में आप जो भी वर्ब इसके साथ जोगे वो बेसिकली ing फॉर्म का इस्तेमाल करोगे, और सारा का सारा चीज प्रेजेंट का रहना चाहिए, यानी हम साफ साफ कह सकते हैं कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करोगे, और प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर दोगे इस सेंटेंस के लिए। बड़े ध्यान से देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है लिशन राधा ब्लैंक द सितार, विल प्लेइंग होगा नहीं, क्यों होगा यार, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस आना चाहिए तो विल प्लेइंग कैसे होगा, हेड प्लेड होगा नहीं, पास्ट का परफेक्ट कैसे होगा, इज प्लेइंग या आर प्लेइंग, लिशन राधा अपने आप में सिंगुलर है या प्लुरल? आपका जवाब होगा कि सर राधा सिंगुलर है, तो राधा सिंगुलर है तो इज या आर, इज यानी इज प्लेइंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली फॉर ब्लैंक फॉर स्विमिंग, 2019 का रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, और यहां फिर से एक ट्रिक के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, जब कभी भी सेंटेंस में मैं फिर से कह रहा हूं, ये जो क्लास है ये बेसिकली आपको रैंकर बनाया जाएगा, रैंक निकालने के लिए इस क्लास को लेना पड़ेगा, आपको टॉपर्स बनने के लिए इस क्लास को लेना ही पड़ेगा, दूसरा कोनो उपाय नहीं है, कहीं भी कुछ कर लो, समझ रहे हो,
कोई उपाय नहीं है, इस क्लास को लेना ही पड़ेगा आपको अगर रैंक निकालना है तो। जरा ध्यान से देखो, When the sun is shining, we usually, जब कभी भी सेंटेंस में पढ़ा चुका हूँ, जब कभी भी सेंटेंस में यूजुअली का बात हो, जब कभी भी सेंटेंस में यूजुअली का बात हो, जब कभी भी सेंटेंस में जनरली का बात हो, जब कभी भी सेंटेंस में एवरी डे के बारे में चर्चा हो, जब सेंटेंस में डेली के बारे में चर्चा हो, जब सेंटेंस में नेवर के बारे में चर्चा हो, सेंटेंस में फ्रिक्वेंटली के बारे में चर्चा हो, सेंटेंस में रेयरली के बारे में चर्चा हो, रेयरली के बारे में, बेयरली के बारे में, इन सारी चीज़ के बारे में, जब कभी भी, ऑलवेज के बारे में, ऑलवेज के बारे में, इन सारी चीज़ के बारे में जब कभी भी चर्चा होगा तो ये बेसिकली किसी न किसी हैबिट को बताएगा, किसी न किसी रूटीन को बताएगा, किसी न किसी रिपीटेड एक्शन को बताएगा। और रिपीटेड एक्शन को बताने के लिए मैं पढ़ा चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि रिपीटेड एक्शन को बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे और प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का वर्ब जो होगा वो फर्स्ट फॉर्म होगा या फिर फर्स्ट के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल होगा। फर्स्ट के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल होगा। फर्स्ट फॉर्म तब होगा जब आपका सब्जेक्ट प्लुरल रहेगा। जब सब्जेक्ट प्लुरल रहेगा तो फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहेगा तो फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल होगा। बड़े ध्यान से देखना, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखो भाई, एक बात मैं बता देता हूँ, कुछ ऐसे चीज़ होते हैं ना जो मैं आपके दिमाग में अभी के लिए फिट करना चाहता हूँ। इसके कॉन्सेप्ट बहुत लंबे हैं लेकिन उतना आप में हिम्मत नहीं अभी, मैं और मुझ में भी हिम्मत नहीं तुझे समझाने की, और तेरे में भी हिम्मत नहीं अभी इसे समझने की, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है और इस लिमिटेड टाइम में मेरे को बहुत कुछ करना है। मैं टाइम ज़्यादा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कोशिश है कि हर चीज़ आपके दिल तक पहुंचा दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये सारा चीज़ को मैं डिस्कस करा पा रहा हूँ। अगर है किसी में हिम्मत, कभी भी देखे हो यूट्यूब के इतिहास में, कभी भी नहीं, मैं ये वादा करता हूँ कि आपके 12th एग्जामिनेशन के लिए कभी भी इतना डीप एक्सप्लेनेशन कोई नहीं करा सकता है, कोई नहीं करा सकता है। हाँ यार, करा सकता है लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने होंगे, जो कि मेरे से ज़्यादा मेहनत कोई कर नहीं सकता, कन्फर्म। आगे देखो, आपको सेंटेंस में जब कभी भी लिखने को कहीं पर भी देखने को मिल जाए, यूजुअली, जनरली, एवरीडे, डेली, नेवर, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, बेयरली, ऑलवेज, तो आपके दिमाग में आप कुछ भी मत देखना, आगे पीछे कुछ भी मत सोचना। अगर कोई बोल भी रहा है कि ये होगा, तुम बोलना चल तू झूठे, तुम ज़्यादा मुझसे जानते हो, मैं जानता हूँ कि जब कभी भी इन सारी चीज़ों का जिक्र होगा तो आराम से यूज़ कर देना है पहला फॉर्म का या फिर पहले फॉर्म के साथ एस सी आई एस का। पहला फॉर्म प्लुरल होता है यानी सब्जेक्ट प्लुरल रहना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी आई एस, इसका मतलब सिंगुलर हुआ, इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन लिखा हुआ है ब्लैंक, मतलब व्हेन द सन इज शाइनिंग, वी यूजुअली, वी अपने आप में प्लुरल है इसलिए वेंट होगा, गोइंग होगा, टू गो होगा, गो होगा। वेंट तो हो नहीं सकता क्योंकि ये पास्ट के बारे में जिक्र हो रहा है, अभी मैं बता रहा हूँ कि सारा का सारा चीज प्रेजेंट का इनडेफिनिट बताएगा, यानी गोइंग हो नहीं सकता क्योंकि ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो गया, टू गो हो ही नहीं सकता, एकमात्र ऑप्शन बचा गो। और बिल्कुल सही है, वी अपने आप में प्लुरल है क्योंकि आयुर्वेद में वी आता है और वी प्लुरल है, तो वी के साथ गो अपने आप में बिल्कुल सही है, गो अपने आप में बिल्कुल सही है, इसको बड़े आराम से नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है ब्लैंक ब्लैंक ही कम विद अस, 2019 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था। ब्लैंक ही कम विद अस, एक बात बताना, ही अपने आप में सिंगुलर है या प्लुरल? आप बोलोगे सर ये तो सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है मेरे भाई तो इसको अगर आप नेगेटिव बनाओगे तो आपको एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, उस हेल्पिंग वर्ब को हम डू के नाम से जानते हैं, लेकिन डू नहीं, यहाँ पे सिंगुलर होने की वजह से फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये हुआ डू नहीं डस का इस्तेमाल करेंगे, तो आपका ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। विल होगा, अरे यार विल कैसे होगा, कम का जिक्र किया गया है, इसका मतलब कम अपने आप पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और कम जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है इसका मतलब इंडेफिनिट के बारे में जिक्र किया गया है, इंडेफिनिट के लिए आप विल का इस्तेमाल नहीं करोगे, वो भी प्रेजेंट के लिए, ठीक है। इज, अरे यार इज रहता तो इज एम आर के साथ आई एन जी फॉर्म का इस्तेमाल करते, जो कि बिल्कुल भी नहीं सेंटेंस में दिया गया है। और डू या फिर हैव तो होगा नहीं मेरे भाई, क्योंकि ही अपने आप में सिंगुलर होता है, अगर हैव ही तो मतलब हैव तो होगा नहीं, क्योंकि हैज होना चाहिए और हैज भी नहीं होगा क्योंकि इसके साथ थर्ड फॉर्म फॉर्म आना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। आपका ऑप्शन सी फॉर चाइना, दैट इज डू इज द राइट आंसर, डू नहीं यार डज होना चाहिए, डज इज द राइट आंसर, डज इज द राइट आंसर। लेकिन एक बात फिर से देखो, अगर आपके ऑप्शन में डज ना देकर के डू दिया जाए तब आप ऑप्शन कौन सा मार्क करोगे, तब आपको विल मार्क करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे रुको, गड़बड़ हो जाएगा, वैसे इसको समझ लो फिर से, विल है ऑप्शन में, इज है, डू है और हैव है। तो एक बात तो कंफर्म है, अगर ही है तो ही के साथ इज आएगा नहीं, अगर इज आएगा तो आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा जो कि सेंटेंस में नहीं किया गया है, डू आएगा नहीं क्योंकि डू प्लुरल है, हैव आएगा नहीं क्योंकि हैव भी प्लुरल है, आपके सामने एकमात्र ऑप्शन बचा ए, दैट इज विल,
17 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए, डैट्स स्ट्रेंज और किड्स ब्लैंक वॉच टीवी सीरियल। डैट्स स्ट्रेंज कितना अजीब है मेरा, जितने भी बच्चे हैं मतलब यार समझ लो, आवर किड्स समझ लो रुको यार, आवर किड्स अपने आप में सिंगुलर या प्लुरल? आपका जवाब होगा कि सर ये तो प्लुरल है। अगर प्लुरल है तो आप ऑप्शन में देखिए क्या डू नॉट होगा, आप बोलोगे हो सकता है क्योंकि प्लुरल है, आर होगा, आर तो होगा नहीं क्योंकि आगे में वॉच लिखा हुआ है, वॉचिंग रहता तब तो, क्योंकि मैं अभी पढ़ा चुका हूँ कि इज एम आर वॉच वर्ड के साथ आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होगा, लेकिन है तो बिल्कुल भी नहीं है, बी का इस्तेमाल होगा नहीं, ऑप्शन ए डेट इज ये प्लुरल है इसलिए इसके साथ डू नॉट का इस्तेमाल होगा और यही होना ही चाहिए। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, लेकिन इसको मिटाने के जस्ट बाद। ठीक है, बोर्ड पे क्वेश्चन आ रहा है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है, इसको बड़े ध्यान से देखिए। बहुत सारे बच्चे को लग रहा होता है कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन, स्क्रीन है ही नहीं तो स्क्रीन पे क्वेश्चन कैसे आएगा। अबे मैं इस बोर्ड के स्क्रीन के बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, तेरे स्क्रीन के बारे में कर रहा हूँ। समझना सीख ले, कुछ भी समझ लेता है यार, अंडरस्टैंडिंग भी इतनी कमजोर है ना तेरी, क्या बताऊँ। चलो क्वेश्चन नंबर 18 वी ब्लैंक हिम यस्टरडे। अभी मैंने बताया आपको कि जब कभी भी सेंटेंस में यस्टरडे का जिक्र हो, जब कभी सेंटेंस में यस्टरडे हो, जब कभी भी सेंटेंस में लास्ट डे हो, जब कभी सेंटेंस में लास्ट वीक हो, जब कभी सेंटेंस में लास्ट से प्रीवियस डे हो, सारा का सारा चीज पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बताएगा। और पास्ट का स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए, इसका मतलब पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, अच्छा, और पास्ट के लिए हम लोग जानते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और सेकेंड फॉर्म ऑफ इस्तेमाल करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब बोलोगे कि सर पास्ट के लिए हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे लेकिन याद कैसे रहेगा, तो मेरे बात को सुनना। जब आप किसी से पहले मोहब्बत करते थे, आपको उसने छोड़ दिया, वो छोड़ करके कहीं और चली गई, और जब वही आपके सामने दोबारा आएगी और आप वहां देखोगे और आपको देखते ही, उसको देखते ही आपके दिमाग में बात आएगा, ओ तू तो सेकंड हैंड है, सेकेंड हैंड है, यानी पास्ट की बात सेकेंड हैंड है, यानी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब से इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, यस्टरडे आई ब्लैंक टू बाय ब्रेड। यस्टरडे देखते ही आपके दिमाग में आएगी कि सर ये तो पास्ट की बात है, पास्ट के लिए गो होगा, बिल्कुल नहीं, पास्ट के लिए गोइंग होगा, बिल्कुल नहीं, टू गो होगा, बिल्कुल नहीं, वेंट होना चाहिए, और गो का सेकेंड फॉर्म है इसलिए वेंट इज द राइट आंसर, यानी डी फूड डेली। एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, यू ब्लैंक गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो। टुमारो का जिक्र हो, अभी मैंने बताया आपको कि जब कभी भी बात आती है टुमारो की, जब कभी भी बात आती है नेक्स्ट डे की, जब कभी भी बात इस सब की आती है, तो ये सारा का सारा चीज फ्यूचर के बारे में बताता है, यानी वो चीजें होने वाली है, फ्यूचर के बारे में बताएगा। फ्यूचर को बताने के लिए डू का इस्तेमाल होगा नहीं, डिड नॉट का इस्तेमाल होगा नहीं, हैड डोंट का इस्तेमाल होगा नहीं, एकमात्र ऑप्शन है विल। Will is the right answer. हम लोग जानते हैं कि ये will और shall एक ऐसा मॉडल है जो कि फ्यूचर के बारे में बताने की कोशिश करता है। तो ये था आज की क्लास का 20 क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे और अच्छे से समझे भी होंगे, तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा। प्लीज आप लोग मेहनत करना सीख लीजिए, क्योंकि आपकी सफलता ही मेरा सब कुछ है। ठीक है, तो प्लीज़ मेहनत करना सीखिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइए, मेहनत कीजिए और एक एक पॉइंट को नोट कीजिए। मैं वादा करता हूँ आपसे वादा करता हूँ कि मैं डेली आपके साथ जुड़ूंगा, डेली आपके लिए कुछ ना कुछ नया करूँगा। मेरी इतनी औकात नहीं कि आपका नॉलेज घटा दूँ, बस मेरी इतनी सी मैं कोशिश करता हूँ कि आपके नॉलेज में थोड़ा सा बूस्ट करूँ आपके नॉलेज को। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग मेहनत करना सीख लीजिए और अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से करोगे, और मैं फिर कल मिलूंगा आप सबसे। तब तक के लिए गुड नाइट।